नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विकराज चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2019 जो भर्ती प्रोसीजर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो भी स्टडी कर रहे हैं ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरी कर देगा, स्किप मत करना ताकि आपको क्लियरिटी सही सब बात समझ में आ जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस आज हमसे जुड़ जाए फ्रेंड्स। आप लाइक करने बहुत कंजूसी करते हो, कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडियो एक्टिव विघटन में कौन कौन से विकिरण प्राप्त होते हैं, इन पर विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा इनमें किस विकिरण के मार्ग पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र में अल्फा कण ऋण प्लेट की और बीटा कण धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। गामा किरणें विद्युत क्षेत्र में बिना प्रभावित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गामा किरणें की भेदन क्षमता आयनीकरण क्षमता की तुलना में अल्फा बीटा कणों से कीजिए। तो गामा किरणें की भेदन क्षमता बीटा कण से 100 गुनी तथा अल्फा कण से 10,000 गुनी है। गामा किरण की आयनीकरण क्षमता बीटा कण के सापेक्ष 1/100 तथा अल्फा कण के सापेक्ष केवल 1/10,000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा तेज और धीमा नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जाएं कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, जबकि रेडियो एक्टिव क्षय एक नाभिकीय अभिक्रिया है जिसकी ऊर्जा कई लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, ठीक है। अतः कोई भौतिक रासायनिक अभिक्रिया अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिवर्तन रेडियो एक्टिव क्षय की क्रिया को तीव्र अथवा धीमा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटा कण ताप यानी उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, बीटा कण परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं तथा इनका वेग प्रकाश के वेग का 1% से 99% तक होता है। इनकी गति ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जबकि तापायनिक अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में आते हैं तथा इनका वेग कम होता है, अतः इनकी गति ऊर्जा बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कटा हुआ है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये तत्व है सीसा, ठीक है। और इसके यहाँ पर सूत्र भी देख लीजिए, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं, नाभिक से निकल जाते हैं, ठीक है। बीटा किरणें क्या नाभिक के अंदर से निकलती है अथवा नाभिक के बाहर की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में से निकलती है। तो बीटा किरणें नाभिक के अंदर से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको अवगत करा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम क्या है, गामा किरणें, ठीक है। अल्फा बीटा गामा को वेदन क्षमता के घटते क्रम में लिखी है। तो गामा किरण बीटा कण और अल्फा कण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों में किसकी वेदन क्षमता आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। अल्फा बीटा गामा किरणों में सबसे किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। तो अल्फा कण की वेदन क्षमता सबसे कम है और गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणों में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की अधिक होती है, ठीक है। एक्स किरण, गामा किरण तथा प्रबैंगनी प्रकाश किरणों को बढ़ती हुई वेदन क्षमता के क्रम में लिखिए। तो प्रबैंगनी प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण, ठीक है। प्रस्फुर पर्दे में अल्फा कणों के लिए कौन सा प्रदीप्तिशील पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। कार्बन डेंटिंग क्या है, प्राचीन वस्तु की आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन डेंटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण दृश्य प्रकाश और तरंगों रेडियो तरंगों में से किसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो आवृत्ति गामा किरणों की तथा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की सबसे अधिक होती है, ठीक है। गामा किरणों की प्रकृति बताइए, गामा किरण तथा एक्स किरण में क्या अंतर है। तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है, ठीक है। 0.01 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की गामा किरण व 3 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण के वेगों में क्या अंतर होता है। दोनों किरणें प्रकाश के वेग चलती है, अतः इन किरणों के वेग में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। गामा किरण पर चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव लिखिए। तो गामा किरणें चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती क्योंकि ये आवेश रहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें तथा बीटा किरण कणों में क्या समानता होती है। तो फ्रेंड्स, दोनों इलेक्ट्रॉन है अर्थात दोनों ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, जिन पर 1.6×10^-19 कूलाम का आवेश होता है, ठीक है। कैथोड किरणों के अभिकर्ण तथा बीटा कण प्रत्येक का द्रव्यमान 9.1×10^-31 किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों की प्रकृति निम्नलिखित में से किसके समान होती है। तो ये होती है गामा किरणों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कैपिटल टी तथा क्षय नियतांक लैम्डा में
संबंध बताइए, तो टी इजिकल टू 0.6931 अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा सहनीयतांक है, ठीक है। किसी रेडियो सकृति पदार्थ की अर्धायु तथा माध्यायु के बीच का संबंध सूत्र लिखिए, टी इजिकल टू 0.6931 टॉ, जहां टॉ पदार्थ की माध्य आयु है। एक क्यूरी से क्या तात्पर्य है ये बताया फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में, और इसका मान कितना होता है 3.7 × 10^10 विघटन प्रति सेकंड, ठीक है। ये देख लेने आपको क्या समान समंतरालों में ये क्वेश्चन नहीं करना फ्रेंड्स, 26वां क्वेश्चन आपको नहीं लेना, ठीक है, और नहीं 27वां लेना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यदि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है तो 6400 वर्ष पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा, तो रेडियम की अर्धायु कैपिटल टी बराबर 1600, स्मॉल टी बराबर 6400, ठीक है। तो यहाँ पर एन की संख्या आ जाएगी, विघटन का समय अपोन अर्धायु, तो 6400 को 16 से डिवाइड करने के बाद 4 आ जाएगा, और फॉर्मूला लगा देना है एन अपोन एन जीरो इजिकल टू 1/2 n, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, और रेडियम के नमूने का विघटित भाग हो जाएगा, एक में से जो ये भाग आया फ्रेंड्स ये घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा इसी आधार से आपको क्वेश्चन कर लेना है जो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, यानी कि कैपिटल टी का मान, स्मॉल टी का मान है, और एन का मान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एन का मान निकालने के साथ साथ एन इजिकल टू एन जीरो और ब्रैकेट में 1/2 n से इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद विघटन परमाणु का मान यहाँ पर निकाल सकते हो n0 - n, यानी कि n0 - n0/4, यहाँ पर इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में 10^6 रेडियो एक्टिव नाभिक है, आधी अर्धायु के पश्चात कितने नाभिक बिना क्षय के रह जाएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, अर्धायु की संख्या एन इजिकल टू कितना विघटन का समय अपॉन अर्धायु, यहाँ पर 1/2, यानी कि फॉर्मूला लगा देना पहले वाला, इसके आधार से आपको निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रेडियम की अर्धायु इतनी है और यहाँ पर शुद्ध रेडियम 1 ग्राम नमूने में 2.7 × 10^21 परमाणु है, इनमें से 810 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी का मान है फ्रेंड्स, अर्धायु कमान है 1620, और स्मॉल टी कमान 810, एन कमान यहाँ पर निकाल लीजिए, और फॉर्मूला पहले वाला जो हमने पहले बताया था फ्रेंड, इस आधार से हमने क्वेश्चन पहले भी कराया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है, कितने समय में 0.6 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.15 ग्राम रह जाएंगे, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला लगा देना आपको एन अपॉन एन जीरो इक्वल टू, जो कि आपका एन का मान यहाँ पर आ जाएगा, और विघटन का समय हो जाएगा अर्धायु गुना अर्धायु की संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये जो 14 क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी रेडियो धर्मी तत्व के नाभिकों की संख्या 16 × 10^6 है, 3 अर्धायु कालों के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या क्या होगी, तो स्मॉल एन का मान हमारे पास कितना 3 और एन जीरो का मान कितना है 16 × 10^6, यानी कि फॉर्मूला लगा देना है एन इजिकल टू एन जीरो ब्रैकेट में 1/2 n, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, 4 अर्धायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी, तो फ्रेंड्स इस आधार से आपको ये कर लेना है, इसका फॉर्मूला इससे पहले वाले में हमने ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, स्ट्रासियम 90 की अर्धायु 30 वर्ष है, कितने समय में 0.04 ग्राम स्ट्रासियम 90 का विघटन होकर 0.005 ग्राम रह जाएगा, तो फ्रेंड्स एन जीरो का मान कितना है यहाँ पर, ये वाला एन का मान इतना है, और फॉर्मूला पहले वाला ही लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको विघटन का समय भी इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन बताया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाना है, और इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कितनी है 40 है, कितने समय बाद क्षय होगा उसका 1/16 भाग शेष बचेगा, इस पदार्थ का क्षय नियतांक कितना होगा, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला पहले वाला ही लगाना आपको एन अपॉन एन जीरो इजिकल टू 1/2 n से, ठीक है। इस तरीके से इनका मान निकाल सकते हो, विघटन का समय टी इजिकल टू अर्धायु गुना अर्धायु की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर क्षय नियतांक कैसे निकलेगा, 0.6931 को टी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। और इसके बाद, एक रेडियो एक्टिव तत्व के 75% भाग का 24 वर्ष में विघटन हो जाता है, तत्व की अर्धायु की गणना करनी है, तो पहले सबसे पहले आपको 100 में से 75% घटा देना है, ठीक है। इस तरीके से 25% आ जाएगा, और 25/100 यानी कि 1/4, और इस तरीके से फॉर्मूला आपको लगा देना है, इनका मान आ जाएगा फ्रेंड्स, और कैपिटल टी बराबर हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल एन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख लिए संकेतक का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 84 क्या है,
प्रोटॉन है, और यहाँ पर कितना ये न्यूट्रॉन आ जाएगा, 218 में से 84 घटाने के बाद जो भी आएगा फ्रेंड्स 134 के अप्रोक्स यहाँ पर न्यूट्रॉन आ जाएगा। ट्रिक ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने वीडियो में डाला है परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है, इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश की मात्रा बताइए, कितना है अल्फा कण पर प्लस के 2e आवेश होता है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। ठीक है, न्यूक्लियन से आप क्या समझते हैं, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले मूल कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, जेड एक्स नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉनों की संख्या जेड तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस के जेड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रोजिटॉन का द्रव्यमान उस पर आवेश की मान बताइए, तो ये होता है द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³³ किलोग्राम आवेश प्लस के 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों में क्या अनुपात होता है, 1:1। ठीक है, चार मूल कणों के नाम उनके प्रतीक, तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर दो मूल कणों व एंटी कणों के नाम यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एंटी कण होते हैं प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाई मेसान अल्फा कण में से कौन अस्थाई है, अस्थाई है न्यूट्रॉन और पाई मेसान, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन व अल्फा कण में कौन अस्थाई है, न्यूट्रॉन अस्थाई कण है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर धनात्मक पाई मेसान प्रोटॉन के एंटी कण लिखी है, तो फ्रेंड्स ऋणात्मक पाई मेसान और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखते हैं पाई मेसान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान कितने गुना है, तो 274 गुना। ठीक है, पाई मेसान के अस्तित्व की भविष्यवाणी किस वैज्ञानिक ने 1935 में की थी, युकावा ने। ठीक है, उदासीन पाई मेसान विघटित होकर क्या बनाता है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, किसी एक अस्थायी मूल कण का आवेश और द्रव्यमान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अस्थायी मूल कण है न्यूट्रॉन और आवेश शून्य द्रव्यमान कितना है, 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं कुछ एक दौर, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा उसके एंटी कण का संगठन के पश्चात विनाश हो जाता है तो इससे कितनी MeV ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा संगत तरंग देते रहे का मान ज्ञात कीजिए, तो डेल्टा M का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऐड कर दीजिए उत्पन्न ऊर्जा ∆mC²। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो फ्रेंड्स, और यहाँ पर गामा फोटॉन की ऊर्जा ∆E = यहाँ पर जो मान आएगा फ्रेंड्स उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा, और लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, SC/ΔE, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप इसको हल कर सकते हो, फोटॉन की ऊर्जा दी हुई है और फोटॉन की ऊर्जा यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के साथ साथ आ जाएगी, और ν = E/H, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो फ्रेंड्स, और ये हमारे दो क्वेश्चन और है यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको हल कर सकते हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितने है, कितने MeV होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU है, AMU बराबर कितना 931 MeV। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना है 0.00055 AMU, और 1 MeV बराबर 931 MeV, और इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.512 MeV। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित थे, जो छूट गए थे। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, इससे बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं फिजिक्स का ही। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।